हेलो माय फैमिली, अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आपके सामने आ रही है, बिकॉज कुछ टाइम से मेरा सच बताऊँ तो वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, बिकॉज मैं फालतू के टॉपिक लाहा कि आप लोगों का सरदर्दी नहीं देना चाहता था। तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम में ब्रेक दूंगा और जो एक्सपीरियंस मेरे साथ में होगा मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो मैंने बोला था कि कुछ प्लान चल रहा था, मैंने ओनली रील शॉर्ट अपलोड कर रखी यूट्यूब पे। एक कंपटीशन हुआ था देहरादून में साइक क्लासेस करके, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और मेरा पहले से माइंड सेट मैंने कर रखा था कि मुझे अंडर 66 में खेलना है, बट सडनली मेरा प्लान चेंज हो गया। आई डोंट नो कि कैसे और मैंने कैसे स्विच किया। मैं चाहता तो मैं अंडर 66 आ सकता था, बिकॉज मेरा जब मैंने अपना सुबह मॉर्निंग में जाके वेट चेक किया तो मेरे 67 kg वेट आया, और वो भी मैंने रात को अच्छी खासी मील ली थी। और मैं कंटिन्यू पानी मैंने इंटेक कर रखा था, बस सुबह की मैंने डाइट नहीं ली थी और उसकी वजह से मेरा 67 kg वेट आया। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मुझे मेरे थॉट्स ये माइंड में ही चल रहे थे जब मैं घर से निकला था, कि इसलिए मेरा कुछ मन नहीं किया कि मैं कंटेंट बनाऊँ। बस मेरे ये था कि मुझे अब की बार जाना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था पावर लिफ्टिंग में। मैंने जो इतना बड़ा कंपटीशन खेला है, तो नॉर्मल कंपटीशन तो बहुत सारे खेले, बट जो सबसे बड़ा कंपटीशन था, जो पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन था मेरे, वो सच बताऊँ तो क्या बताऊँ, मेरी फीलिंग ऐसी थी ना भाई कि मज़ा आ गया, तो ये बता सकता हूँ। और तो मैंने अपनी कैटेगरी में अभी कितने की, जो मैंने फेल नहीं किया है, मैंने स्क्वाड एक भी फेल नहीं किया। 145, 155, 162.5 जो मैंने फेल नहीं किया। और रही स्क्वाड बेंच की बात, तो बेंच मैंने 85 मारा, 95 मारा था मेरे को। और प्रॉब्लम कहाँ पे होगी कि सबसे ज़रूरी क्या है पावर लिफ्टिंग में, कमांड। अगर कमांड गलत होगी तो बेटे कितना बेटा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। तो ऑलमोस्ट 95 जैसे मैंने हल्के से नीचे ले गया और मैंने चेस्ट पे टच करवाया, सडनली माइंड सेट पता नहीं क्या ऑलरेडी कि मैंने पुश कर दिया उसे। जब मैं थोड़ा सा ऊपर लाया, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मुझे तो कमांड भी लेनी है। अब मेरे दिमाग में हट गया कि मैं क्या करूँ, नीचे ले जाऊँ या ऊपर ले जाऊँ। तो मैंने कहा चल जाने से। उसके बाद था डेडलिफ्ट सेशन, तो हम ऑलमोस्ट मैं चला गया था 8 बजे, लगा लो गाइस 8 बजे ला गया था मैं बिना कुछ खाए पिए। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं एक रियल चीज़ बताऊँ, मैं एक पराठा लिया, पराठा खाया, 2 केले, और मैंने स्मूदी रखी थी, और मैंने लिक्विड रखा था, माजा हो गया जैसे आपका, जो डिफरेंट डिफरेंट आजकल तो वो आते हैं फ्रूट्स, क्या कहते हैं ना, जूस आते हैं, तो वो मैंने अपने पास रखे हुए थे। तो मैं धीरे धीरे इंटेक करता रहा उन्हें। एंड डेफिनेटली जब स्क्वाड लिया, स्क्वाड के बाद बेंच प्रेस उसी के तुरंत बाद आ गया था, 15-20 मिनट के बाद। बट जब हमने कंपटीशन खेला तो डेडलिफ्ट में थोड़ा टाइम लगे, जो कैटेगरी थी वो भी 2 कैटेगरी में बट गया था, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। तो उसमें सब थे अंडर, उसमें 74 एंड 83 सीनियर एंड जूनियर एंड मास्टर सब थे इसमें, सीनियर एंड हाँ जूनियर सीनियर एंड मास्टर सब थे एक ही कैटेगरी में मतलब। तो वो कैटेगरी खेली मैंने, देन उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि यार लाइफ में कुछ बहुत करना है, अभी तो कुछ भी नहीं। हम इतना कम वो भी मैं 74 में लगाओ कि 67, 7 किलो ज़्यादा, मतलब कम वेट था मेरा लगा लो फिर उसके मुकाबले, 7 किलो कम वेट के साथ में मेरे अपनी स्क्वाड मारे, डेडलिफ्ट मारे थे मैंने। 185 से स्टार्ट किया था मैंने, और 180 से स्टार्ट किया था पहले सेट, 185 दूसरा था, 190 मैंने थर्ड अटेम्प्ट किया था। थर्ड अटेम्प्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला कि गाइस जब आप ना ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं, मैं भी ईगो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल था खुद के लिए और मैं उठा सकता था, मुझे पहले पता था। बट क्या हो गया कि इतना सुबह से शाम तक के आप कंटिन्यू एक ही ऑरा में रहते हो ना, आप सो रहे हो बस बैठे हुए एक ही जगह पे, बस माइंड सेट आपका वही है कि क्या करना है कैसे मारना है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा बॉडी, जब मैंने ऊपर उठाया तो बॉडी थोड़ा शेक हो गई थी, तो उसकी वजह से मैंने उठा ले तो लिया था उसे, बट वो अटेम्प्ट नहीं था मेरा। तो मेरा अभी PR है 185,
162.5 एंड 90। तो देखते हैं, अभी मैं ऑफ सीजन में हूँ तो अभी मैं पावर लिफ्टिंग से थोड़ा कट कर रखा हूँ, मैं थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में जा रखा हूँ। मे भी वर्कआउट वही सेम चल रहा है बट थोड़ा बॉडी को रेस्ट देने के लिए। एंड जब देखना, जब फ्लो में आऊँगा तो 100% मैं कह रहा हूँ आप, क्योंकि साल के लास्ट जब दूसरा कॉम्पिटिशन खेलूंगा मैं, तो उसमें मैं 200 को आपको स्क्वाट करके दिखाऊंगा, 200 बीच में डेड मार के दिखाऊंगा आपके सामने, और 110 या 115 की मैं आपके सामने बेंच मारूंगा, ये एक कंफर्म मैं कह रहा हूँ। और मुझे पता है मुझे क्या करना है। और दूसरी चीज़, डाइट गाइस, डाइट फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट है आज की लाइफ में, और मेरे से खुद नहीं होती है। तो आई विल बी ट्राई कि जब मैं नेक्स्ट कॉम्पिटिशन खेलूँ तो मैं प्रॉपर अपना 100% दे के रखूँ, बिकॉज एवरीथिंग, सब कुछ मैनेज करना होता है आपको, अपने घर के काम, अपने घर भी देखना होता है, अपनी लाइफ स्टाइल, अदर लाइफ स्टाइल भी, यार एक ही चीज़ को समेट के नहीं चल सकते, और चीज़ें एक्टिविटी भी देखनी पड़ती हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़, डाइट सबसे बड़ा रोल निभाता हमारे चीज़ में, और ये चीज़ भी हमें देखना पड़ेगा। बट डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतनी अच्छे से अब मेहनत करूँगा कि आपको जो मैंने पिछली जो शॉर्ट डाले यूट्यूब में, और जो नेक्स्ट टाइम में पूरा आपको एक ब्लॉगिंग ब्लॉग दिखाऊंगा, और उसमें दिखाऊंगा कि क्या इम्प्रूवमेंट मैंने किस चीज़ में की है, क्या मेरी वीकनेस थी जिन पे मैंने वर्क किया है, कर रहा हूँ अभी तक, और सब कुछ अपने आपके सामने दिखाऊंगा। तो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने नई नई वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपना कॉमेंट ज़रूर करें। मैं आपका कॉमेंट को पिन कर दूंगा, जिसका बेटर कॉमेंट लगा मुझे, या किसी के कुछ क्वेश्चन रहे तो मैं उसे पिन कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।